श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया छोटा सा उपाय है जो आपके ऊपर हो रहे कर्ज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेगा और आपके घर में धन धान्य के भंडार खोल देगा। यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है। 10 दिसंबर को श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा है, ऐसे में आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर से कंगाली हमेशा हमेशा के लिए दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। आपको इस उपाय को करने के लिए एक लोटा जल लेना है, उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा मीठा यानी कि गुड़ या चीनी या शक्कर कुछ भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल सकते हैं। ये सारी सामग्री डालने के बाद उसमें आपको एक सफ़ेद पुष्प डालना है। ध्यान रहे, आपको सफ़ेद पुष्प डालना है। सफ़ेद पुष्प डालने के बाद आपको उस लोटे को शाम के समय 6 बजे किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाना है। साथ ही आपको एक लंबी वाती का घी का दीपक लेना है। उसके बाद उस लोटे जल को आप पीपल की जड़ में डाल दें और वहीं पर उस दीपक को जला दें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। साथ ही आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। आपके ऊपर जितना भी कर्जा होगा वह समाप्त हो जाएगा और आपके नए नए मार्ग धन प्राप्ति के खुल जाएंगे। उम्मीद है ये उपाय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।